स्वागत है आप सभी का अपना ही YouTube चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। आज हम बात करेंगे CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, जो ओपन रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो इनमें आप भारत के सभी युवा भाग ले सकेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की पल पल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सकेंगे। तो गाइज, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे हम मुझे फॉलो करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि इसी तरह की पल पल लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो गाइज, हम बात करेंगे आज जो CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, जो आप लोग का बम्पर भर्ती आई हुई है और इनका ओपन रैली का आयोजन किया गया है। तो आप लोग इसमें कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जाके उस पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिशियल जारी किया गया है, वहाँ से बात करके आप इनका जो इसका बटालियन है उस बटालियन में जाके आप लोग भाग ले सकते हो और आप लोग पूरा तरह से भाग लेके आप लोग देश का सेवा कर सकते हो। तो बताऊँगा किस तरह से आपको इसमें ज्वाइन करना है, इसमें किस तरह आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं एक नोटिफिकेशन के जरिए बताऊंगा कि कैसे इसमें फ़ोन करना है, कहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और रैली ये किस लिए किया जा रहा है। रैली ये जो है कांस्टेबल GD के लिए किया जा रहा है, कांस्टेबल GD यानी कि जो होता है जनरल ड्यूटी के लिए किया जा रहा है ओपन रैली। ये रैली छत्तीसगढ़ में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग इस रैली के लिए भाग ले सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का ही कैंडिडेट जाएगा, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट जाके छत्तीसगढ़ में भाग ले सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा नोटिफिकेशन आया यहाँ पे देख सकते हो, एक नोटिफिकेशन मेरे को मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही सामान्य पद पर भर्ती, यहाँ पे ऐसा दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं जनरल वालों के लिए, एज जो है 18 से 23 साल रखा गया है, महिलाओं के लिए 18 से 23 साल ही रहेगा, और पुरुष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में OBC वालों के लिए 18 से 26 ईयर्स रखा गया है और महिलाओं के लिए 26 ईयर्स रखा गया है। 3 साल का छूट मिल रहा है OBC वालों के लिए, तो 28 साल मिल जाता है अनुसूचित SC ST वालों के लिए, फिर सेंटीमीटर यानी फीमेल को भी मिल जाता है, सेम मिल जाता है। और हाइट की बात करें तो हम यहाँ पे जनरल वालों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, महिलाओं के लिए जनरल में 157 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेम देखने में अन्य पिछड़ा वर्ग को 170 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति को 175 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे छूट जो मिल रहा है अनुसूचित जनजाति को 162.5 सेंटीमीटर और महिला को 50 सेंटीमीटर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र को 160 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर हाइट लिया जा रहा है और यहाँ पे 147 सेंटीमीटर उसकी महिलाओं के लिए लिया जा रहा है। तो बात करते हैं आपकी मापदंड क्या होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस होना चाहिए, कोई मापदंड नहीं होगा, महिलाओं के लिए कोई चेस्ट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ मेल के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं पुरुष के लिए, 5 किलोमीटर दौड़ होगा आपका 24 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर दौड़ होगा 8 मिनट 30 सेकेंड में, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। देख सकते हो यहाँ पे नोटिस में दिया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में सिपाही सामान्य पद पर रिक्ति होने वाले इच्छुक परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को अभिभावक परीक्षार्थी अभ्यर्थी 227 बटालियन लेदा तोंगल सुकमा छत्तीसगढ़ के टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये टेलीफोन नंबर दिया गया, तीनों पे आप लोग किसी पर ट्राई करके संपर्क करके, ताकि अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया तथा परीक्षा से संबंधित पूर्ण जानकारी दिया जा सके। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में सिपाही सामान्य पद पर भर्ती निकले पर परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों को इस वाहिनी द्वारा सूचित किया जाएगा तथा पूर्ण सहयोग प्रदान की जाएगी। तो आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस टेलीफोन नंबर पे इस मोबाइल नंबर पे जो भी है इस पे आप लोग एक बार कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जाने से पहले। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पे सबसे पहले जॉब अपडेट करते रहता हूँ। इसका स्टोरी में इंस्टा पे मैंने कल ही डाल दिया था इस एडवर्टाइज को, तो अगर आप लोग भर्ती में जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं भी आपको हेल्प करूँगा इस भर्ती में जाने के लिए, कैसे कैसे जाना है। तो आप लोग अभी इसका डेट जो है कब निकाला जाएगा, इसका डेट इस नंबर पर कॉल कर लेना आप लोग, ठीक है, सब पता चल जाएगा आपका रैली कब से कब तक होगा। तो इन्होंने यानी कि अच्छा खासा रिस्पांस के साथ भर्ती लिया जा रहा है CRPF में, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रूर जाएं इस भर्ती के लिए, बहुत अच्छा मौका है। तो
क्योंकि इन्होंने ये बटालियन का नंबर भी दे रखा है कि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को, कि मेरे स्टूडेंट सब जो भी विद्यार्थी हैं अपने बटालियन में पहुंच जाए भर्ती देने के लिए। तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इसीलिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।